क्वेश्चन ये है कि लोग ये पूछते हैं कि ये टिपिकल क्वेश्चन है और एक आम आदमी ये जानना चाहता है, और उनका ये कहना है कि थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करके बताइएगा ताकि टर्मिनोलॉजीज और मेडिकल से हटके। आमतौर पर ये तासुर है कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है, और घर में मना भी किया जाता है कि इतना मीठा ना खाओ तुम्हें शुगर हो जाएगी। क्या ये हकीकत है कि वाकई ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है? देखिए, मीठा खाने से तो शुगर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारा सिर्फ मिसाल मैं देता हूँ इससे पहले आपके जवाब दूँ कि कभी कभी जब हम लोग कहीं जाते हैं किसी गैदरिंग में, पार्टी वगैरह होती है, तो मैं वहाँ तो मीठा खाता हूँ, तो लोग कहते हैं, कभी सोचते हैं आप तो मीठा मना कर रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं उनको तो ये कहता हूँ कि भाई मीठा ये वाला इस तरह का कभी कभी मिलता है तो उसको इन्जॉय कर लो। जाहिर सी बात है उसकी लिमिटेशन है, पर ये भी डिपेंड करेगा किसको कितनी डायबिटीज़ है, तो सबके अलग अलग यानी कि जवाब होंगे तो एहतियात के हवाले से। लेकिन ऑन एन एवरेज जो हम मीठा खा रहे होते हैं कभी कभी ओकेजनली, तो बजाय उसका कि उसको कुर्बान करें हैं, हम अप जो रोटी चावल रोज़ाना खा रहे हैं उसमें उससे बहुत ज़्यादा मीठा है। तो डायबिटीज़ वाले के लिए अब मिसाल के तौर पर एक रोटी के अंदर जो एवरेज रोटी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर खुब्स आती है, तो उसके अंदर 13-14 चम्मच शक्कर है जो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। अब पठान रोटी है तो वो जो है ना उसके अंदर करीब 20 ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी, यानी आप 16 से 22 चम्मच के डिफरेंट उसमें होती हैं, तो इतनी शक्कर उसमें खा रहे हैं हम। और जो मिठाई रखी हुई है सामने, मिसाल के तौर पर थोड़े दिन पहले की बात है अभी, तो ये जो बंगाली मिठाई होती है ना, तो वो रखी हुई थी रसगुल्ला टाइप, लेकिन अच्छा वाला, तो उसमें इतनी ज़्यादा शक्कर नहीं, एक्चुअल बंगाली मिठाई में इतनी ज़्यादा शक्कर नहीं होती है, तो वो दूध वूध सब होता है उसमें, तो लोग उससे कुछ लोग डर रहे थे। मैंने कहा भाई आप इन्जॉय करें इसको, आप खाएं इसको, और इसके अंदर टोटल मैक्सिमम 2 टीस्पून शुगर होगी, और चूँकि इससे पहले वो लोग जो खा चुके थे, वो मैंने कहा कि वो जो खाई ना आपने माशाल्लाह वो खा चुके थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि वो उसमें आप 30-40 चम्मच ऑलरेडी शक्कर खा चुके हैं। तो ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा वो है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शुगर वगैरह इसको मना नहीं करता कि मीठा ना खाएं, मीठा डायबिटीज़ वाले वैसे ही नहीं खा रहा होता, तो जो रोटी और चावल का मसला होता है उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कोई फ्री हैंड हो जाए कि सब मीठा खूब ज़्यादा खा रहे हैं, तो एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन ये है कि और ये भी अलग अलग होगा इसका जवाब कि भाई डायबिटीज़ कितनी है तो उसमें कितनी एहतियात हो।